coming to special ops again, tell me the entire process of landing the role and landing the up usme lead character. You are the central protagonist of the entire show. The landing right. role, how did that come about? The script coming to you, Neeraj Pandey coming to you, you getting the part, how did that come? So in my life, nothing has come to me. In my life, I've always had to work for everything. And which I'm extremely happy about, because क्या होता है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो वो आप उसके लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं. यू बिकम मोर श्योर दैट यू डिजर्व द पार्ट. तो फॉर्चुनेटली स्पेशल ऑप्स डिडंट फॉल इन माय लैप. मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था. यू नो यू आर टेकिंग मी बैक टू सम वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज, बिकॉज एक तो मैं पागल था उस टाइम पर. हाँ जी, तो ये एक्चुअली बहुत ही ये इंसिडेंट है जो अगर मैं कभी अपने 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 लिए कभी कोई मेमोआर्स लिखूंगा तो उसमें डेफिनेटली इट्स गोइंग टू टॉप इट. बिकॉज मैं छुट्टी पर था मसूरी में, और मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया था, जिनको आई थिंक अब मैं बहुत प्यार करता हूँ, बिकॉज उनकी वजह से मुझे एक शो मिला था. एंड उन्होंने मुझे कहा था कि यार एक ऑडिशन भेज दे फटाफट. मैंने कहा यार मेरे पास यार यहाँ ना, क्योंकि दे वांटेड मी टू डू इट इन अ कुर्ता पजामा. मैं कहा यार मेरे पास कुर्ता वगैरह तो है नहीं, मैं छुट्टी पे आया हूँ. और यू नो अमूमन तौर पे मतलब आप यू नो आप हेयर मेकअप वगैरह करके जाते हैं ऑडिशन में. क्या मेरे पास कुछ सामान वगैरह है नहीं यहाँ पर, तो मैं कैसे ऑडिशन दूंगा. और प्लस क्या होता है, एक तो छुट्टी पे ना आपका आपका मेंटली माहौल कुछ अलग होता है कि आपको काम नहीं करना. बट बिकॉज ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट, ही इज लाइक यार ऑडिशन भेज दे, हो सकता है कि आई माइट बी एबल टू पॉज देम लुकिंग एट मोर पीपल. सो आई वाज लाइक यार यू नो एज एन एक्टर वैसे आप इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि पता नहीं आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट. But I remember trying to film it in my hotel room. And kya hota zyadatar hotel rooms mein jo lighting hoti hai wo badi dim lit hoti hai. To main hotel ke jo public bathroom tha wo bada brightly lit tha. To main wahan gaya tha. Main apne dost ko bhi le gaya tha saath mein. To unhone mera wahan pe audition record kiya. To ek to bathroom mein awaaz bhi kafi echo hoti hai. To meri awaaz camera tak pahunche. To isliye maine bathroom mein kiya tha. मैंने वहां से अपना ऑडिशन भेजा था एंड उनको मेरा ऑडिशन कहीं अच्छा लगा था. सो दे कॉल्ड मी अप सेइंग कि व्हेन यू कम टू बॉम्बे कैन यू कम इन फॉर अ मीटिंग. आई वाज लाइक या यू नो आई इमीडिएटली पैक्ड अप माय स्टफ एंड आई कट शॉर्ट माय हॉलिडे और मैं बम्बई आ गया. मैंने फिर शिवम सर जो हमारे यूनिट के दूसरे डायरेक्टर भी हैं उन्होंने मुझे नरेशन दी थी स्पेशल ऑप्स की बिफोर माय सेकंड राउंड ऑफ एन ऑडिशन. तो उस नरेशन के बाद नीरज पांडे जी ये बना रहे, आपको उस पर एक चीज पता था? हाँ, मुझे पता था फ्राइडे फिल्मवर्क्स बना रहे, बट मुझे पता नहीं था कि डायरेक्ट कौन करेंगे. यू नो एंड एट दैट टाइम आई वाज जस्ट एक्साइटेड कि आई एम सिटिंग इन नीरज पांडेज ऑफिस एंड डूइंग अ मीटिंग एंड देयर इज समवन लाइक अ शिवम नायर हु इज मेड नाम शबाना हु इज नरेटिंग दिस टू मी. सो आई वाज फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एट दैट टाइम एंड आई विल नॉट डिनाई इट. सो व्हेन जिस वक्त उन्होंने मुझे नरेट किया था ना, उस टाइम पे एक साइमल्टेनियसली मेरा थॉट प्रोसेस चला था वो और दीपक जो हमारे राइटर भी हैं शो के, कि यार मैंने कहा यार भाई ये शो तो किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाना चाहिए. मैं आपको एक एक्टर्स की एक क्वालिटी बताता हूँ. यू नो हम एक्टर्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे यू नो वे लाइक वल्चर्स. यू नो व्हेन यू गेट अ गुड स्क्रिप्ट इन योर हैंड यू वांट टू मेक श्योर दैट यू ग्रैब इट एंड नोबडी एल्स गेट्स इट. बिकॉज बहुत कम होता है कि आपको एक ऑथर एक्ट रोल मिलता है और यू नो बहुत सारे बेहतरीन एक्टर हैं. तो यू आर जस्ट सो यू नो यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आई वाज थिंकिंग एज आई ब्रो ये हाथ से नहीं जाना चाहिए. सो आई रिमेंबर गिविंग एन ऑडिशन आफ्टर दैट. And I gave a third round of an audition. And in my fourth meeting, when I finally got to meet Neeraj sir, is when he sort of gave me a feeler ke there's a possibility that it might work out. So main kabhi bhulunga nahi, kyunki maine unse pucha tha, sir, main ghar pe mummy ko bata dun, khushkhabri de dun. So he said, nahi, ruk ja. And I remember going back on that day and later in the evening, they called me up saying that, listen, you bagged the role. I remember telling my parents about it. And I just told my mom and dad, I started crying. Because for me, it was, you know, it's too much of a reality, you know, that you kind of dream of. Yeah. You know, every actor wants that you work with a very good director, in a very good production, and you have a very good role. Ho. And this somewhere or the other kind of ye wo har cheez thi mere liye. To mere parents bhi bahut overwhelmed ho gaye the because I think as a unit hum sare ek tarike se hi sochte aur hum kafi invested ek dusre ke life aur career mein. And that's how it happened. They sent me the script, they sent me the first 6 episodes and I read it at one stretch in the same night, like 3 in the morning.
And yeah, you know, and I was just so happy to be a part of the show. And I don't know, everything about the show is just, and this question just made me so happy because I've just relived that entire part of that year. We are so happy that you shared it with us. In fact, आपने जो कहा ना, ये नीरज पांडे जी से तो काफी मिलता जुलता है, जब और काफी मैंने उनको भी इंटरव्यू किया था. एंड मैंने यही की अबाउट गेटिंग दिस कास्ट, बिकॉज हर एक कैरेक्टर ना एक ऑलमोस्ट एक वेल ऑइल्ड मशीन की तरफ फिट हुआ था उस स्क्रिप्ट में. तो यही पूछा कि आपने ये एक एक कैसे चुना, करंट एक्टर कैसा आपको, बिकॉज टीवी में तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आपने कैसा समझा? उन्होंने भी कास्टिंग डायरेक्टर को सबसे ज्यादा श्रेय दिया उसे. Yeah, Shubham, he should really get credit for this. That's his name. So Shubham, if you're watching this, I love you, man. एक और चीज है, जैसे आपको प्रेजेंट किया गया था स्पेशल ऑप्स में, ये एक पूरी तरह इंटेलिजेंट शो था, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंगेजिंग, लेकिन एक पूरी तरह कमर्शियल शो. इसमें कुछ आर्टी नहीं, आउट एंड आउट कमर्शियल शो. इनफैक्ट नीरज पांडे इज नोन डायरेक्ट, वो कमर्शियल में इंटेलिजेंस लाते हैं, दैट इज व्हाई मार्शल को भी अच्छी लगती है. आप उसमें जैसे उन्होंने आपको प्रेजेंट किया, आप उसमें स्टार थे, आप सिर्फ एक्टर नहीं थे, यू वर अ स्टार. जिस तरह से आपने एंट्री मारा, आपने पैसे फेंका पहले बार में, आपने कैसे वो आपके आई थिंक एंट्री शॉट था. उसके बाद आप जैसे फिर आपको पता चला कि वहां पे कहानी में बड़ा ट्विस्ट क्या है, स्पॉइलर अलर्ट नहीं दूंगा, अब तक तो सबको देख लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं. स्पॉइलर दे दूंगा. तो उस वक्त आपने जो हर एक चीज का छोटे छोटे नुएंसेस, उसमें आप एक स्टार थे. एंड नीरज प्रेजेंटेड यू लाइक दैट. सो टेल अस अबाउट दैट करण, बिकॉज एक्टर तो था ही, क्वार्टरबैक रोल तो था ही, बट यू हैव बीन प्रेजेंटेड एज ए सुपर स्टार इन दैट. उसके बाद तो ऐसा लगता है कि तो ऑफिस का तो बौछार होना चाहिए. दैट्स द वे यू वर प्रेजेंटेड एज ए स्टार. टेल अस अबाउट दैट प्रेजेंटेशन व्हेन यू वर लुकिंग. When you are looking, I'm sure you must have seen the show in Argo. When you are looking back, just I mean, I'll be very honest, and I'll be very honest about this. I didn't look at it like this until you've just said it right now. Even at the time, जब मेरे पास script आई थी, मैं इस character को as a star तो बिल्कुल नहीं देख रहा था. Because अगर इस पूरे show में देखा जाए, तो सबसे बड़े star नीरज सर खुद है, और उससे दूसरा बड़ा star I think script है. मैं चीजों को ऐसे ही देखता हूँ. मैं अपने आप को उस तरीके से आई डोंट टेक माय सेल्फ सीरियसली कि डू आई ब्रिंग एनी क्रेडिबिलिटी टू अ प्रोजेक्ट इन लेट्स से इन अ वे ऑफ एनी स्टार्टअप. फॉर मी इट वाज ट्रूली जस्ट बीइंग एज अर्नेस्ट टू माय कैरेक्टर एज पॉसिबल. सो आई नेवर लुक्ड एट इट लाइक दैट. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इस कैरेक्टर में जितनी रियलिटी ला सकूं एज फारूक अली, उतना ये कैरेक्टर वर्क करेगा. और कहीं ना कहीं अगर आप मेरे को ऑनेस्टली पूछेंगे, तो मैं तो चाहता था कि लोग मुझे एज अ स्टार बिल्कुल ना देखें, लोग मुझे एज अ कैरेक्टर ज्यादा देखें. बिकॉज कहीं ना कहीं दैट हैज ऑलवेज बीन अ बैरियर फॉर मी कि यू नो माय पॉपुलैरिटी फ्रॉम टेलीविजन हैज बीन अ हिंडरेंस इनटू मी गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू. तो मैं तो चाहता था कि लोग मुझे एज अ कैरेक्टर एक्सप्लोर करें शो में. लोग जब ये शो खत्म करें, तो उनके माइंड में फारूक अली एक एज यू नो दैट्स द थिंग दैट यू आर लेफ्ट विथ. After the last shot of the show, I didn't want anyone to see me as Karan Thakur, because then it would just fall flat. You know, so meri approach to yahi thi ki main jitna earnestly or honestly character ko portray kar sakun, utna ye show ke liye work karega, utna mere liye work karega, quite frankly, as an actor. Because dekho, aap har project se yahi chahte hain ki aap iske baad agli seedhi climb karein. To main yahi chahta tha ki makers agar dekh rahe hain, तो वो कैरेक्टर को देखें, मुझे as a star ना देखें. तो I'm really hoping that somewhere that came across. Definitely हुआ है, because the reason I asked is ना, because जैसे आपको present किया था, आपकी acting को कहीं भी वो star presentation overshadow नहीं किया. आपकी acting का हर एक nuance आपने जो किया दिखाया उसमें, the audience felt. लेकिन this is thinking about how Neeraj ji presents his character. जैसे अक्षय कुमार baby. Yeah, it is. Yeah, absolutely. And you said it very correctly. I think all the credit, if anybody looked like a star on the show, has ye sab credit jana chahiye Neeraj sir ko, because wo unka ek charm hai. You know, he knows how to make gritty content also look very commercially viable. So he gives you that moment to shine, and he'll give you that slow motion shot, the entry vibe. So actually, you reminded me of it. Main bhool gaya tha. Mere liye my introduction shot is
when I'm on the phone call saying ke 1 lakh khan mil gaya. But you're right, actually my entry shot technically is when I'm like throwing money in the dance bar. And between you and me, I really want to tell you, it was the most strange and nervous thing that I have done. I remember Baba Yadav, who was a choreographer for the thing. मैंने बोला मैं कहा बाबा यार ये करेंगे कैसे मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है ये करते हुए because you I mean while you know everybody is an actor everybody is a performer yeah. but you know it's a little uncomfortable और ये मेरे लिए it doesn't come to me naturally so even and my character if you look at it वो flamboyant है नहीं you know तो I remember Shivam sir directed that scene and he told me he's like कहीं पर भी छिछोरा नहीं लगना चाहिए वो कोई ये उड़ाते वक्त भी देखे तो लड़के पे प्यार आना चाहिए जी मतलब वो छिछोरा उड़ा तो I was like man this is going to be so tough to do कि आप पैसे उड़ा रहे हो एक डांस बार में लड़की पे बट फिर भी आपको लगना है कि आप छिछोरे नहीं हो तो फॉर मी इट वाज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रेसफुल सीन बट आई एम ग्लैड दैट फॉर यू और लाइक हूएवर्स वॉच्ड इट दैट लुक्स लाइक अ वेरी स्टारी सीन सो टू से सो आई थिंक लाइक आई सेड यू नो सो माय अप्रोच टू एवरी सीन वाज वेरी अर्नेस्ट आई नेवर थॉट that it is going to be perceived jaise jis tarike se aapne kaha ki wo ek star entry hai yeah it does main aapko ek cheez bata du aapko kya pata hai haan ji aapko to kaafi acha feedback mila hoga lekin aise mere kuch dost hai jo tv nahi dekhte aapko pata hai younger generation mein haan ji special ops dekha correct un log ne fir kuch ki main media mein ye kaun hai current actor hai aisa kaam kiya hai realistic and I talk about girls all also कभी चांस मिला मुझे इससे मिलना है बस there's a many girls इससे मिला they fell in love with you आपने पैदा कर दिया I am telling you where I stay after this conversation अच्छा ठीक है दो मेन सवाल एक तो जो सबके होटो पे ये सवाल है स्पेशल ऑप्स टू का क्या सीन है क्या होने वाला है क्या प्रोग्रेस है ये जवाब तो पहली बात तो नीरज सर ही दे सकते हैं देखो नीरज सर और फ्राइडे फिल्मवर्क्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस थ्रिलर है अगर आप फ्राइडे फिल्मवर्क्स को जानते हैं तो वो चीजों की बातें तब करते हैं जब चीजें पूरी तरह से पक जाती हैं बिकॉज आई फील वही तरीका होना चाहिए आप चीजों की आवाज तब करें जब यू नो व्हेन थिंग्स आर एब्सोल्युटली राइट यू कैन पुट इट आउट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस सो द मोस्ट करेक्ट पर्सन टू आंसर दिस वुड बी Neeraj sir himself message पे कुछ बात हुई कुछ feeler कुछ Neeraj sir कभी भी आपको कुछ नहीं बताते वो जब वो actually और मुझे ये उनका अंदाज बड़ा अच्छा लगता है मैं actually Neeraj Pandey the film director का तो हमेशा fan था but I think मुझे Neeraj sir as a person अब उनसे प्यार हो गया है मैं अब जितनी मैं actually कोशिश करता हूँ कि मैं उनको हर तरीके से उनका जो mind है उसको emulate करूँ क्योंकि वो एक बहुत ही अर्नेस्ट किस्म के इंसान है और मुझे उनका अप्रोच टुवर्ड्स यू नो इन दिस इंडस्ट्री ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर मुझे बड़ी अच्छी लगती है बहुत ही सिंपल है बहुत ही अर्नेस्ट है एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई वुड वांट माय एंटायर करियर टू बी एज एन एक्टर एज वेल सो इफ यू आस्क मी मैं तो चाहता हूँ कि स्पेशल ऑफ्स 2 नहीं स्पेशल ऑफ्स 22 तक चले बट ये जो बीच में जो ये कोविड आ गया जो पूरा ही हमारा एक साल वेस्ट हो गया है कहीं ना कहीं दिस इज रियली काइंड ऑफ सेटबैक थिंग्स एंड यू नो बिकॉज़ आवर शो प्राइमरीली वाज शॉट इंटरनेशनली सो अज्यूमिंग ऑल ऑफ दैट इट्स यू नो इट गॉट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू काइंड ऑफ गो आउट देयर एंड पुट इट ऑन फ्लो बट आई रियली होप दैट यू नो वी कैन टॉक अबाउट इट सून एंड यू नो टेल एवरीबॉडी व्हाट वी आर डूइंग विद इट बट एटलीस्ट इतनी तो रसल है कि होगा दैट्स विदाउट क्वेश्चन वो तो I think मैं ये बोल सकता हूँ कि definitely होगा because कहीं ना कहीं एक I remember doing an interview with Neeraj sir you know he and I did a live between he sir me and KK sir correct तो sir को मैंने वहाँ पर ही पूछा था मैं कहा sir special ops 2 का क्या सीन है so उन्होंने थोड़ा hint तो दिया था कि special ops 2 जरूर होगा and देखो if you ask me you know show को इतना प्यार मिला and you know we're 10 months down the line still talking about it so that means there is a recall value for it so I'm pretty sure that there will be a season 2 So yeah, it's just it's a matter of time that we speak about it. और दूसरी चीज आपने इंटरव्यू के शुरुआत में आपने कही थी कि जब आप एंट्री मारे थे इंडस्ट्री में उस वक्त एक पीके एक माध्यम था एक्ट्रेस क्योंकि फिल्में में यूजुअली स्टार्स से या तो कनेक्शन से उनको वो एक्ट्रेस को वो फिल्में मिलती थी तो कई हैव यू आल्सो फेस्ड दिस करंट इन योर जर्नी एज एन एक्टर वेट फिल्म्स यू हैव उसको होने वाली थी लेकिन फिर आपको नहीं मिली क्योंकि एक और कनेक्शन से या पॉपुलर फेस उसमें कास्ट हुआ था आई मीन यस इट स्टिल हैपेंस बट या सो टू आंसर योर क्वेश्चन यस
any film, or without pushing you, if you want to reveal, any film that you regret missing out because of this? Do I regret missing out on? I don't know. I mean, it's more than a regret. It's always a desire to do films with certain filmmakers. So yes, you know, I would, there's always that desire. Yes. I don't know about regret as much. Cool. And finally, before leaving, this is something we are asking all our people who we are interviewing, all the talents and all. And still love this. Anything you would like to say about the farmers' protests that are happening in the country right now? What are your sentiments towards that? My sentiment, see, you know, you've asked me a very political question where anything would be taken very polarizingly. So I'm just going to say that I think we all need to be compassionate in this time. We all need to be sensitive in this time. It's already a tough time for the world collectively. So the only thing that I'd like to comment on is that we all just need to be compassionate and act accordingly. Very well said, Karan. And bhai, maza aa gaya. इंटरव्यू में मजा आ गया. आपने इतने सारे ना एनेक्डोट्स जो वगैरह शेयर किया, रियली लव इट. कैन नॉट वेट टू सी यू इन स्पेशल ऑप्स 2. उसके अलावा बिफोर दैट कम्स, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टू सी यू इन बिफोर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. मुझे वाकई बड़ा मजा आया. लाइक आई सेड, यू नो, यू मेड मी रीलिव सम मेमोरीज ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर, व्हिच आर समथिंग दैट व्हिच आर मेमोरीज आई एम ऑलवेज गोइंग टू चेरिश. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड. एज फार एज मेरे आने वाला जो काम है, you know, I'm following Neeraj sir's footsteps on it. जब तक चीजें पूरी तरह से पक नहीं जाती मैं बताऊंगा नहीं, बट मैं आपको डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि 2021 में आप डेफिनेटली मुझसे बहुत सारा, मेरा बहुत सारा काम देखेंगे. I'm definitely going to be doing a lot of acting work. There's not going to be a long break again. I'm really excited to kind of talk about everything that I'm doing. So it's just a matter of time that I'm allowed to do so. बड़े पर्दे में फिल्म में आप देखोगे कि नहीं देखोगे? इसका जवाब अभी देना थोड़ा मुश्किल है. Anyways, lovely chatting with you, Karan, and I hope we do this more often. क्योंकि I know कोई भी प्रोजेक्ट आप छोड़ोगे, बस आपका वो Midas Touch, हम वही उम्मीद करेंगे कि आपका वो Midas Touch प्रोजेक्ट में लग जाए, and it comes to gold. So thank you for doing this, and looking forward to everything you do. All the best. Thank you. It gives me a whole lot of motivation. Thank you, and I hope to see you and speak to you soon.